वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा खान ने दावा किया है कि उन्हें पाकिस्तान इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए जा रहे थे और उन्हें इमरान खान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही जमायमा ने यह दिलचस्प इंकशाफ भी किया कि वह पाकिस्तान में क़याम के दौरान इमरान खान के जानने वालों के रिश्ते भी तय करवाया करती थी। जमायमा खान बरतानवी अखबार दी इवनिंग स्टैंडर्ड के साथ अपने आइंदा आने वाले शो दी इम्पीचमेंट के बारे में बात कर रही थी। इस शो में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के दरमियान ताल्लुक के बाद सियासी दावपेच को इस तरह के वाकया से अवस्था खवातीन की नज़र से दिखाया गया है। जमायमा खान ने कहा है कि मुझे मोनिका लेविंस्की के इंटरव्यू के दौरान एहसास हुआ कि इसी साल मुझे भी पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था। मुझे भी सियासी बुनियादों पर जेल की धमकी दी गई थी। मुझे लगा कि मोनिका लेविंस्की और मेरी कहानियों में बहुत मुमासलत थी। मैंने खुद से एक काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स से शादी की हुई थी जो कि सियासी तौर पर इंतहाई ताकतवर था और उसे नुकसान पहुँचाने के लिए मुझे निशाना बनाया जा रहा था। याद रहे कि मोनिका लेविंस्की अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दौर इकतदार में व्हाइट हाउस में एक इंटर्न थी। मोनिका लेविंस्की और सदर क्लिंटन के दरमियान एक रुमानवी ताल्लुक कायम हुआ था जब सदर क्लिंटन इकतदार में थे और हिलरी क्लिंटन से इनकी शादी कायम थी। सदर क्लिंटन ने इस ताल्लुक से इनकार किया था और कहा था कि मैंने इस औरत से जिनसी ताल्लुकात नहीं रखे, लेकिन बाद में साबित हुआ कि सदर क्लिंटन ने नौजवान इंटर्न मोनिका लेविंस्की से ताल्लुकात रखे थे। मोनिका लेविंस्की के साथ काम करने वाली इनकी सहेली लिंडा ट्रिप खुफिया तौर पर उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करती रही जिसमें उन्होंने तफसीलात का एतराफ़ किया। जमायमा खान ने क्लिंटन और लेविंस्की स्कैंडल पर फिल्म भी बनाई है। इनकी फिल्म में इस चीज़ पर गौर किया गया है कि ऐसे ताल्लुकात में क्या दोनों फ्रीकैन में ताकत का तनासब यकसा होता है और ये कि ताकतवर सियासी शख्सियात के साथ रोमानवी ताल्लुक रखने वाली खवातीन किस कदर मजबूर हो सकती हैं। इस शो में यही दिखाया गया है कि ऐसी खवातीन पिदरशाही में रचे सियासी निज़ामों में घिरी होती हैं। जमायमा खान एक और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही हैं जो कि फिल्म है व्हाट डज लव हैव टू डू विद इट, यानी प्यार का इससे क्या ताल्लुक है। इस फिल्म में मरकजी किरदार शादी से डरती एक बरतानवी फिल्म साज का है जो पाकिस्तान आकर अरेंज मैरिज को अक्स बंद करने की कोशिश करती है और यूं उसके प्यार के बारे में ख्यालात बदल जाते हैं। जमायमा खान ने इस फिल्म का स्क्रिप्ट 10 बरस में लिखा है। जमायमा का कहना है कि जब वो पाकिस्तान गई थी तब उनके अरेंज मैरिज के बारे में ख्यालात अपने बाकी दोस्तों जैसे ही थे कि ये एक पुराना और पागलों वाला ख्याल है। वो कहती हैं कि मगर मैं 10 साल के बाद जब लौटी तो मेरे ख्यालात ज़रा मुख्तलिफ थे, जहाँ मुझे इसके कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे थे। जमायमा खान का कहना था कि हम इस दुनिया में मुकम्मल तौर पर रोमानवी प्यार के ख्याल के तहत रहते हैं। अगर इसमें हम कुछ अमलियत पसंदी डाल दें, कुछ गैर जज्बाती सोच डाल दें तो शायद हम किसी दरमियाने रास्ते पर पहुंच जाएं और हम बेहतर फैसले कर सकें। वो कहती हैं कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो अरेंज शादियां करवाती थी। मेरे साबिक शौहर इमरान खान के दोस्तों के बच्चे कहने लगे थे कि ठीक है हम अरेंज मैरिज कर लेंगे, मगर इसमें जमायमा का शामिल होना ज़रूरी है। इसका यह मतलब नहीं कि वालिदैन के पास फैसले का हक नहीं रहा था, मगर मैं इस अमल में शरीक हुई थी। जमायमा खान कहती हैं कि मैं इस बारे में कोई बेवकूफ़ाना हद तक खुश उम्मीद नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि जबरी शादी एक मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ चीज़ है, मगर जिसे अब हम असिस्टेड मैरिज कहते हैं मैंने उन्हें कामयाब होते देखा है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।